पंचायत चुनाव से पहले बीएसपी ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दिया है। हरिद्वार में आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल रुड़की में इस वक्त बहुजन समाज पार्टी काफी मजबूत है, विधायक भी यहां से जीत कर आया। और इसी बीच एक खबर आ रही है, हरिद्वार के निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने 3 जिला पंचायत सदस्यों के साथ बसपा की सदस्यता ले ली है। इससे पूर्व शुक्रवार को अंतरिक्ष सैनी और सुभाष चौधरी ने भी कांग्रेस को अलविदा कहकर भाजपा का दामन थाम लिया था। वहीं अब सुभाष वर्मा के कांग्रेस छोड़कर बसपा में जाने के बाद कांग्रेस में जिला पंचायत चुनाव के लिए कोई भी बड़ा चेहरा सामने नजर नहीं आ रहा है। विधानसभा चुनाव में पहले भी भाजपा अलविदा कहकर कांग्रेस में शामिल हुए सुभाष वर्मा हाथी पर सवार हो गए थे। उनके बाद 3 अन्य जिला पंचायत सदस्य भी आपको बता दें कि बीएसपी में शामिल है। बसपा हमेशा से ही जिला पंचायत की राजनीति में मजबूत रही है। 2016 में भी बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर कुछ सीटें जीती थी और काफ़ी अच्छे वोट हासिल किए थे, तो बीएसपी को यहाँ पर काफ़ी अच्छी मजबूती मिलेगी।